नमस्कार, मेरा नाम ललित पंत है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं भी एक कलाकार हूं। पिछले 20 साल से मैं ब्लैक एंड वाइट माध्यम में काम कर रहा हूं। कला एक साधना है, तपस्या है, या यूं कहें कि एक नशा है जो आपको अपने में रमा देता है। हर कलाकार अपने आरंभिक समय में कई तरह की चीज़ें सीखता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी एक माध्यम तकनीक में रमता चला जाता है और उसी की गहराइयों में उतरता जाता है। आज हम सुनते हैं ऐसे कलाकारों की जुबानी जिन्होंने अपना अब तक का सारा समय ब्लैक एंड वाइट माध्यम में लगा दिया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ब्लैक एंड वाइट क्यों, ब्लैक एंड वाइट ड्रॉइंग्स क्यों। ये बचपन का एक मंजर है जो मेरे दिलो दिमाग में बड़ा असर डालता था। उस जमाने में जब मैं बहुत छोटा था, तो एक मंजर था जो आज तक मेरे साथ चला आ रहा है। वो रात का मंजर था, जब आसमान पे, काले आसमान पे, और वो सफ़ेद चांद और उसके साथ अनगिनत सितारे, वो जो आसमान पे बिखरे होते थे एक अब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग की तरह, वो मुझे नज़र आते थे। और मुझे याद है, और शायद सबको याद होगा और सब लोग देखते हैं, उसमें एक फॉर्म्स हम लोग ढूंढते थे और बड़ी सारी फॉर्म्स हमको दिखती थी उसमें, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म्स हों, चाहे वो एनिमल हों, या अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हों। और मुझे जितना याद है, मैं वो फॉर्म्स मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। ब्लैक जस्ट नॉट अ कलर फॉर मी, ब्लैक इज लाइक अ काइंड ऑफ अ लाइफ एंड डेथ फॉर मी, एंड इनसाइड ब्लैक आई फाइंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स एंड कलर, सो आई डू ब्लैक एंड व्हाइट, लव ब्लैक एंड व्हाइट। आई फाइंड लॉट्स ऑफ टोन्स, कलर्स, लेयर्स ऑफ लाइफ, ऑल्सो टू एक्सप्रेस माई फीलिंग इन अ वेरी ट्रू सेंस, दैट इज माई ब्लैक। हाँ, ये जो मेरी ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग है, एक्चुअली बचपन में हम लोग गांव में रहते थे और उस समय बिजली नहीं थी, तो हम लोग जो है चिमनी से या लालटेन से पढ़ाई करती थी। तो कुछ ना कुछ पार्ट हमारा ब्लैक होता था और कुछ पार्ट हमारा लाइट में होता था। सुबह भी देखते थे हम, उतनी लाइट नहीं आती थी, कुछ डार्क होता था, उसमें जो चीज़ दिखती थी वो आधी आधी दिखती थी। तो ऐसे ही हम जब कॉलेज के अंदर गए और कॉलेज में हमने ड्राइंग का करना सीखा, तो उसमें जो लाइनों की क्वालिटी थी, उसमें फ्लो था, उसमें कुछ पार्ट, जैसे मैंने बहुत सारे बफेलो ड्राइंग किए, वो भी अपने में ब्लैक, लेकिन उसके लाइन हमें फॉलो करना पड़ता था कि उसका किस तरह का करेक्टर है, फॉर्म कैसा है। तो तब से ये ड्राइंग मेरे चलती आ रही है। मेरे लिए ब्लैक एंड वाइट का मतलब सत्यता से है, और वैसे भी अगर हम आम भाषा में बात करें तो हम किसी भी चीज़ की सत्यता को प्रूव करने के लिए हमेशा इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपको जो भी कहना है ब्लैक एंड वाइट में लेकर आइए। एक मूर्तिकार होने के नाते मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट मेरे मूर्ति शिल्प को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से देखने में हेल्प करता है। लाइक ब्लैक से संबंध मेरा यहाँ पे कहने का है उसकी डेप्थ से, और वाइट का संबंध उसकी हाईलाइट से है। तो जो टेक्सचर क्वालिटी है उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम ब्लैक एंड वाइट या शेड्स का प्रयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ब्लैक एंड वाइट है वो उसका संबंध कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सत्यता के साथ है। और मूर्तिकार होने के नाते हमारे मूर्ति शिल्प में लाइट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम सुशांत गुहा है। ब्लैक एंड वाइट में मैंने ज़्यादा काम किया है। ब्लैक एंड वाइट में जो ग्रे और टोन है, रेंज ऑफ टोनालिटी इन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, उसका मैंने बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, और मुझे अच्छा लगता है ब्लैक एंड वाइट काम। और मेरा जो काम का जो तरीका है, पद्धति है, उसमें विषय वस्तु जो है वो ब्लैक में बहुत ज़्यादा उभर कर आता है, इसलिए मैं ब्लैक एंड वाइट पे काम करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ब्लैक एंड वाइट। धन्यवाद।
और मैं जब कॉलेज गया, कॉलेज में आके कॉलेज की ट्रेंड है उस हिसाब से हमने काम शुरू किया, सब तरह की काम किया है। फिर कॉलेज में मास्टर्स में भी हमने कलर पेंटिंग किया, कैनवास किया है। करते करते एक जगह में लगते थे सारे कुछ कलर है, सब कलर में काम कर रहे हैं, दुनिया कलर है, बाहर जहाँ भी जाता है वहाँ भी कलर है, कलरफुली कलर है। लेकिन समटाइम्स हम जब कोई मैगज़ीन कोई खोल के देखते थे, एक ब्लैक एंड वाइट आ जाते थे, तो मेरा मन वही रुक जाते थे, फिर मुझे वहाँ अट्रैक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे आई डोंट नो कब मुझे फिर दोबारा ब्लैक एंड वाइट में मेरा आबर फिर वापस आ गया, और कलर छोड़ के जब मास्टर्स हमने कंप्लीट करके फिर प्रोफेशनली मैं काम शुरू किया, धीरे धीरे मुझे लास्ट 24 इयर्स मैं ब्लैक एंड वाइट में ही काम कर रहा हूँ। माई सेल्फ विजेता भामरे, फॉर मी माई लाइफ इट्स एन इमोशनल एंड ट्रेजिक स्टोरी। ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ पावर, दस इट गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। इन माई वर्ड्स, ब्लैक इज द मोस्ट कम्प्लीट कलर इन द वर्ल्ड, एंड आई मस्ट से ब्लैक एंड वाइट आई नॉट सैड, इट्स पोएटिक। कलर्स आर एवरीथिंग बट ब्लैक एंड वाइट आर मोर। ऑल्दो आर्टिस्ट सी रियलिटी इन कलर्स, बट फॉर मी ब्लैक एंड वाइट आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द इमेज डीपर ट्रूथ, टू इट्स मोस्ट हिडन मीनिंग, स्ट्रेंज एंड पावरफुल। थैंक यू वेरी मच। Black, it is associated with power, mystery, strength, authority, elegance. Black is the absence of color actually. Black absorbs all light, so it is a low energy color. Black is a color that absorbs light, meaning a black object absorbs all color and no colors are reflected back to your eyes. So black lines on white paper are stark, definite marks, bearing huge communicative potential for transmitting your ideas. The magic of black has attracted our attentions for centuries. So I like black as most suitable color for my prints. By this I play with multiple hues of black with my drawings. And this bring subject to real life mode. So black is my favorite color, I can say that. कलाकार अपनी प्रवृत्ति और वातावरण में कितना घुल मिल जाता है, इसका प्रमाण उसकी निस्वार्थ कला साधना से प्रकट होता है कि वह अपनी बात कितने लंबे समय तक कह पाता है, वह समय के साथ साथ किस तरह से उसको प्रस्तुत करता है। कलाकार की बात उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग, स्कल्पचर और उसके आर्टवर्क हैं। जयराम पटेल जी ने सन 1960 में काफ़ी रिवोल्यूशनरी काम किए जो आधुनिक टच लिए हुए थे। उन्होंने बोल्ड ब्लैक एंड वाइट्स ही में ही काम किए, इंक में, एक्रेलिक में, ऑयल में काफ़ी काम किया उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में। उनको लोन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी सम्माननीय बात है। ज़रीना हाशमी जी ने भी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट काम किए। एक जगह उन्होंने कहा, आई जस्ट मेड माई पर्सनल लाइफ द सब्जेक्ट ऑफ माई आर्ट। वहीं नसरीन मोहम्मद जी ने भी बहुत ब्लैक एंड वाइट के लीनियर क्वालिटी के काम किए। दैनिता सिंह जी अपने आप में ब्लैक एंड वाइट के कई फोटोग्राफी के कई माइलस्टोन क्रिएट कर चुकी हैं। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट पे मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ब्लैक एंड वाइट इज बेसिकली माई सोल। मेरा जीवन का एक अभिन्न अंग है, एंड आई कांट लीव विदाउट डूइंग ब्लैक एंड वाइट वर्क्स, एंड आई बीन डूइंग ब्लैक एंड वाइट सिंस माय स्कूल डेज। और मुझे जो लगता है, हर बच्चा ब्लैक एंड वाइट से काम शुरू करता है, ड्राइंग से ही शुरू करता है। और मुझे जो लगता है, ब्लैक एंड वाइट इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट मीडियम टू वर्क विथ। And although we don't consider white as a color, and even black as a kind of a color,
कलर के मतलब हम बाकी चीज़ों को मानते हैं, लेकिन ब्लैक में सब कुछ समाया हुआ है एंड ब्लैक को हैंडल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. सो आई बिलीव इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट मीडियम टू वर्क विथ. Hi, I am Dr. Uttam Kumar Basak from Vishwavardi Shanti Niketan. Black and white has always played a vital role in my artworks. I feel it is a language for me which expresses my deeper ideas and thoughts in all my works. It's the most powerful and bold expression of my artworks. I always enjoy the depth of black and white in all my works. I am highly inspired by the drawings of black and white. Initially in the student life, in the art colleges, I am inspired by the drawings of Somnath Hood. Later my teacher, Sanatkar, inspired me to do black and whites. In nutshell, I feel the black and white is the most powerful instrument for me. Namaskar, मैं ऋषिराज तोमर चंडीगढ़ से. मैं ब्लैक एंड वाइट माध्यम में काफ़ी लंबे अरसे से कार्य करता हुआ आ रहा हूँ और ब्लैक एंड वाइट माध्यम मेरे लिए एक विशेष मायने रखता है क्योंकि मैं अपने कार्य में कहीं ना कहीं शुद्धता और गहराई को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैं सफ़ेद रंग शुद्धता के लिए और काला रंग गहराई के लिए दिखाता हूँ. और ब्लैक एंड वाइट माध्यम से ही मुझे कार्य क्षेत्र में एक विशेष पहचान मिली है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आगे भी इसी माध्यम में हमेशा कार्य करता रहूं. धन्यवाद. हाय, मेरा नाम महमूद अहमद है. मैं पिछले कई वर्षों से ब्लैक एंड वाइट काम कर रहा हूं. ब्लैक एंड वाइट काम में आप जो उतार चढ़ाव और गहराई देख और महसूस कर सकते हैं, इसका मज़ा ही कुछ और है. ये मेरी ज़िंदगी के अपने तजर्बे हैं जो कि मैं काले और सफ़ेद तस्वीरों के ज़रिए दिखाता हूँ. आपको उन सवालों का जवाब मेरी तस्वीरों में देखने को मिलेगा जिन्हें आप अपने अंदर दबाकर रखने की कोशिश करते हैं. थैंक यू, धन्यवाद. पी चंद्रशेखर, विजय मोहन आदि भी कई कलाकार हैं जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट काम किया है, पर मैं इतने ही लोगों तक पहुंच पाया. अपनी वार्ता को मैं यहीं विराम देता हूं. धन्यवाद.